शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम पार्ट पूरा खत्म हो गया था, वो पार्ट पूरा हो गया है और टेक्स्ट बुक भी हो गया और क्लास वर्क में क्या क्या लिखना है वो भी हो गया। आज मैं आपको एक सिर्फ पठन हेतु सिर्फ पढ़ना है और आनंद लेना है एक छोटी सी कविता आपको बताऊंगी। ये है आपको छोटी सी कविता, ठीक है बच्चों, ये है छोटी सी कविता। इस कविता का नाम है बहुत बड़ा है यह संसार। इधर संसार का मतलब है दुनिया, दुनिया का मतलब है, दुनिया का मतलब वर्ल्ड। यह संसार में हम लोग या दुनिया में क्या क्या है, कैसा है, सबको मालूम है, बहुत बड़ा है यह दुनिया। इसके बारे में एक छोटी सी पक्षी क्या बता रही है, उसकी सोच कैसी है, उसके बारे में हम आज ये कविता में देखेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तो पक्षी इधर एक क्या बता रही है पक्षी, सबसे पहले मेरा घर कैसा था, एक अंडे जैसा आकार था। उसका घर कैसा है, एक अंडा, अंडा का मतलब है एक। तो उस जहाँ तक यह दुनिया में यह सोचती है कि सिर्फ उसका घर कितना है, यह अंडा जितना ही है, यह अंडा कितना है उतना ही उसका घर है, तो उतना ही उसको मालूम है, बाकी का संसार या दुनिया कुछ भी उसे नहीं मालूम है। तो वो कहती है सबसे पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार। आकार का मतलब है शेप, आकार। उसका घर कैसा था, अंडे जैसा था, सिर्फ उसका घर अंडे जैसा आकार में था। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो मैं जब क्या समझती थी, सिर्फ यह संसार यानी यह दुनिया सिर्फ इतना ही, शायद ये अंडा ही पूरा दुनिया में, शायद मुझे इतना ही मालूम है, उसे इतना ही मालूम है, इसलिए वह कहती है यह दुनिया सिर्फ इतना ही है, बाकी का दुनिया उसको कुछ भी नहीं मालूम है। फिर मेरा घर बना घोंसला। फिर उसके बाद उसका घर क्या हुआ, यह अंडे से छोड़कर घोंसला बन गया है। घोंसला, घोंसला का मतलब क्या है, नेस्ट। पक्षियों का घर कैसा रहता है, नेस्ट में ही रहता है ना, तो पक्षी का घर अंडे के आकार के रूप में से किधर गया, किधर कैसा बदल गया, घोंसला का रूप में बदल गया है। सूखे तिनकों से तैयार, यह घोंसला कैसा तैयार किया गया, सूखे ड्राई, ड्राई पूरा सूखे गए तिनकों से तैयार किया गया है यह घोंसला। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इसके बाद पहले इतना सोचती थी, पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ घोंसला कितना है उतना ही समझती थी। घोंसला का आकार कितना है, घोंसला कितना बड़ा है, शायद संसार इतना ही है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसा सोचती थी। देखिए बच्चों, इधर पक्षी क्या सोचती है, एक बार अंडा मालूम है उसे, कहाँ तक मालूम है, वही उसका घर या संसार या दुनिया समझ रही है। पहले अंडा मालूम था इसलिए अंडा तक सोची, उसके बाद घोंसला मालूम हुआ उसको, घोंसला तक ही सोची। उसके बाद से फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। तो इसके बाद यानी जब छोटी थी, इधर अंडा का आकार कब रहता है, अंडे में कब रहता है, जब पक्षी अभी नहीं पैदा होती है तब अंडे के रूप में होता है। उसके बाद जब पक्षी बाहर आती है अंडे से निकल कर, छोटा छोटा रहती है, तो उसकी माँ उसको घोंसले में रखती है। जब वो थोड़ा बड़ा होती है तो उधर घूमने के लिए, उड़ने के लिए कोशिश करती है। जब उसको उड़ना आ गया तो हर एक शाखाओं पर, ब्रांचेस, शाखा का मतलब है ब्रांचेस, हर एक शाखा पर उड़ उड़ कर बैठ कर वो ये पूरा फल खाना तैयार करती है। तब सोचती है कि हाँ शायद घोंसले से भी बड़ा है शाखा यानी ब्रांच, तो संसार इतना ही बड़ा है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो हरी भरी थी जो सुकुमा यानी शाखाओं के पत्ते कैसे रहते हैं, हरी भरी यानी ग्रीन ग्रीन रहते हैं और अच्छे से सुकुमा से कोमल स्वभाव के पत्ते होते हैं। छोटे छोटे पक्षी क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्तों को ही छूते हैं ना, इसीलिए वो समझती है सिर्फ संसार इतना ही है यानी कितने शाखाएं है उतना ही है यह संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। जब पूरा उसका पंख निकल कर आ गया, पूरा पक्षी के रूप में बदल गई यानी पूरा बड़ी हो गई, तो ऊपर आसमान तक उड़ना शुरू हो गया। जितना दूर तक उड़ते जा रहे
रही थी उतना दूर आकाश भी आसमान भी था और नीचे पूरा दुनिया भी उसे दिखाई देने लगा। तब उसे मालूम हुआ कि हाँ सिर्फ ये कांडा ये घोंसला और शाखाएं ही नहीं, और भी बहुत बड़ा है यह संसार। मुझे तभी मालूम हुआ कि यह संसार बहुत बड़ा है। देखिए बच्चों, जहाँ तक हम रहते हैं उतना ही नहीं सोचना है, उसके बाद आगे क्या है क्या नहीं है उसके बाद सोचकर समझना है और जानना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, सिर्फ ये पठन हेतु है। इसके बाद अगले कक्षे में अगले पाठ के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।